हेलो प्लेयर्स, तो आप सब लोगों को फिर से स्वागत है डे ऑफ गेम्स में। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नए गेम के साथ। आज मैं खेलने वाला हूँ माई टाइम एट पोर्शा। तो आई होप कि आप लोगों ने इस गेम का नाम ज़रूर सुना होगा। वैसे ये गेम जो है फ्री में नहीं मिलता, प्ले स्टोर से करीब 500 रुपीज़ से ख़रीदना पड़ता है। तो इस गेम के एक अलग से सीरीज़ बनने वाला है, तो इसके ऊपर सपोर्ट ज़रूर दिखाना, क्योंकि फ्री में नहीं होता है गेम, वरना तो पैसा बर्बाद पहन चोर। तो सपोर्ट दिखाना, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी ऑल पे करके रखना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो एंड तक देखना, पसंद आया तो लाइक जरूर करना। तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट स्टार्ट करते हैं गेम को। ओके, तो यहाँ पे हमें अपना कैरेक्टर कस्टमाइज करना पड़ेगा, तो फटाफट मैं अपना कैरेक्टर जो है वो कस्टमाइज कर लेता हूँ। ओके, तो अपना जो कैरेक्टर है वो पूरा तैयार हो चुका है, और इसी के साथ हम खेलने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं, गेम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे शायद हम दिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस दिन से खेलना है, लेकिन हम मुझे तो पहले दिन से ही खेलना है। तो चलो, We're coming up on Porsche. Whoa, that looks beautiful. What are you gonna do there? Ruin diving? Something like that. We get someone like you once in a while. Always seeking that adventure. Good to be young. Well, good luck to you. Thanks. ओके, तो हम अपना कदम रख चुके हैं पर्शा में, और अभी जो है इस पूरे दुनिया को, मतलब इस पर्शा को पूरा बदल देंगे, और इस जगह के नंबर वन बिल्डर बनेंगे हम। हाय। ओके, तो एक अंकल जी मिलने हैं हमसे, चलो देखते हैं क्या बोलते हैं। Ah, good to see you again. Hope you had a pleasant journey. Yeah. Anyway, I'm here to show you to your workshop, so if you would please follow me. I wonder what it's like. I didn't get to know my pa too well. No one's been working there since your pa left Porsche so many years ago. He was a good friend. Yeah. Oh, तो मेरे पिताजी भी यहाँ पे काम करते थे। अब एक कंट्रोल दिखने में ही पता चल रहा है क्या कहाँ क्या करना है। तुम आगे का बताओ। ओके, तो ये हमें लेके जाने वाले हैं जहाँ पर मेरे पिताजी काम करते थे, उसी जगह पे शायद से। तो चलते हैं। And here we are, your workshop. This place sure has seen some wear and tear. What do you think? Looks homey. तो ये मेरे पिताजी की नहीं, मेरा खुद का वर्कशॉप दिखाने के लाया है। तो यहाँ पे हम काम करने वाले हैं। ओके, तो इसने मुझे एक लेटर दिया जो मेरे पिताजी ने लिखा था, और इसने मुझे कल सुबह इसके साथ, मतलब इसका यहाँ का जो टाउन है वहाँ पे मिलने के लिए बुलाया। चलो देखते हैं कल सुबह की ये हमसे क्या बात करने वाला है, और शायद ये हमें काम भी देने वाला है। ओके, तो सोने का स्टाइल तो यहाँ पे बहुत सही है। ओके, यहाँ से मैं ऐसे उठ सकता हूँ, चलो ठीक है। और मेरा घर सही नहीं, हाँ ठीक है, मैं कंट्रोल समझ लूँगा। ओके, तो घर थोड़ा टूटा फूटा सा है, तो इनको ठीक करना है, वरना मुझे सही से नींद नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो चलते उसके पास, देखते हैं वो किस लिए बुलाया, और फिर हम इस जगह को थोड़ा सा घूम के भी देखेंगे कि यहाँ पे। ओके, लेटर आया यहाँ पे, वैसे लेटर तो पता नहीं होगा, कुछ सामान दे रहा है। ओके, सामान दे रहा है तो सामान सारे ले लो, बाकी लेटर बाहर में जाए। ओके, बक्सा की उठा रहा है, इसको रख सकते हो क्या फिलहाल इन्वेंटरी में रखते हैं। और ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया मैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है, चलो ठीक है। तो अभी फटाफट टाइम वेस्ट करके करे बिना उसके पास पहुँचते। एरो दिखा रहा है कहाँ पर है। अरे भाई, कौन है तू? Are you a spy for the Duvos Empire? Huh? Okay, तो इसने किस जगह के बारे में पूछा नहीं पता मुझे फिलहाल, लेकिन यहाँ पे आई गेस। ओके, ये क्या है, मैं मतलब इसके साथ स्टोन पेपर सीजर खेल सकता हूँ, लेकिन फिलहाल टाइम नहीं है। उसने बुलाया चला है, क्योंकि शायद वो मुझे काम दे सकता है और नई चीज़ें भी सिखा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो वो ही हमारा मतलब सब कुछ है दिखाने वाला। मैं तो फटाफट मिलते हैं उससे। क्या मतलब 8 से 20 में, यानी 8 ही होता है, 8 से 8 बजे तक मैं इनसे मिल सकता हूँ। अभी कितना बजे है? ओके, 8 बज चुका है, चलो अभी फटाफट चलते हैं। ओके, ये भी मिलना चाहता था तो इसलिए बाहर खड़ा था। कंपटीशन? अब किस बात का कंपटीशन भाई, पहले फिलहाल तो मुझे तेरे से कोई बात करना नहीं है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है।
Nice to see you. How are you settling in? उतना तो कुछ खास नहीं, चल well, ठीक ठाक ही है. Good, good. Let me introduce you to the commerce guild of the raw material. Okay, तो इसने हमें कहा कि एक पिकैक्स और एक्स बनाना, जो हर गेम का मतलब इस टाइप के गेम्स के बेसिक चीज है. तो फटाफट चलते हैं, हमारे घर पे एक वर्कशॉप है, तो वहाँ पर हमें सारा सामान और कैसे बनाना है वो चीज़ें पता चल जाएगा, और क्या क्या सामान चाहिए वो सब पता चल जाएगा. ओके, तो यही है शायद, क्योंकि यहाँ पे ये एरो दिखा रहा है. हाँ ठीक है भाई, कंट्रोल उतना दिखाना है नहीं. ओके, तो इसके लिए चाहिए वुड चाहिए 5 और स्टोन चाहिए 8. ओके, एक्स के लिए और पिकेक्स के लिए उल्टा चाहिए, मतलब 8 वुड चाहिए 5 स्टोन चाहिए. ओके चलो ठीक है, फटाफट लेकर आते हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मेरे पास ना तो एक्स है ना पिकेक्स है. रुको, मुझे यहाँ पे कुछ स्टोन्स गिरे हुए दिखे थे, तो इनको उठा सकता हूँ शायद से मैं. ओके, तो इनको उठा सकता हूँ. और मुझे घर के बगल, अरे ठीक है भाई ठीक है, घर के बगल में कुछ वुड्स भी दिखे थे, मतलब स्टिक्स गिरे हुए थे. तो इन सारे चीज़ों को कलेक्ट करके फटाफट मैं एक एक्स और पिकेक्स बना लेता हूँ. मैंने सारा सामान कलेक्ट कर लिया, इस बीच कुछ बेरीज और हर्ब्स भी कलेक्ट कर लिए. ओके, यहाँ पे क्या घूम रहा है, आई गेस चिकन. यस, ये चिकन है. ओके, एक दादी अम्मा भी है. तो दादी, हाई दादी अम्मा. अबे भाई गलती से उठा लिया भाई, ये लोग मारने लग गए. इस चिकन के बच्चे को उठा लिया तो इन लोग मारने लगे भाई. मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है अभी, एक्स और पिकेक्स बनाना है, और फिर इन दोनों चीज़ को उसको दिखाने के लिए लेके जाना है, और फिर भाई बहुत काम है मेरे पास. तो टाइम ना वेस्ट करके फटाफट चलते हैं. ओके, यहाँ पे एक चेस्ट है. ओके, चेस्ट में क्या है, क्या मिला. ओके, ग्लव्स मिले, बॉक्सिंग वाला ग्लव्स. ओके, शायद फाइटिंग में काम आएगा किसी के साथ. तो फटाफट एक्स और पिकेक्स बना के उसके पास लेके चलते हैं. हाँ हाँ ठीक है भाई, इतना भी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता है मुझे, इतना तो पता है. तो एक्स बन गया. ओके, इन दोनों को सामने ले लेते हैं हॉट बार में, यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके लेना है, और इस ग्लव्स को भी ले लेते. और इन चीज़ों को मैं बाद में देखते कहाँ पे कैसे रखना, मतलब रख सकता हूँ वैसे रख दूँगा. तो फटाफट उसके पास चलते हैं. ये क्या है, आई गेस ये लोग कुछ बेच रहे हैं. ओके, अरे ठीक है भाई, इतना भी दिखाने की ज़रूरत. ओके, तो लोग सीड्स बेच रहे हैं, और शायद आई थिंक ये ओके लार्ज प्लांटिंग पॉट्स है. यहाँ पे हम प्लांट कर सकते हैं, मतलब खेती कर सकते हैं सीधी बात. तो इन चीज़ों को हमें बाद में देखेंगे. तो फटाफट उसको सामान देते हैं, मतलब उसने मांगा तो नहीं था, बस हमारे टेस्टिंग के लिए बोला था कि चलो बना के लेकर आओ. तो भाई चाचा जी, हमने बना के लेकर. Nicely done. You can keep them. ओके, तो इन्होंने देख लिया और कहा कि भाई बहुत ही अच्छा बनाया मैंने, पता नहीं सारे तो एक ही बनते हैं, तो पता नहीं अच्छा कैसे बना. तो इन्होंने कहा कि एक स्टोन फर्नेस बनाने के लिए. तो फटाफट अपने घर में चलते हैं और देखते स्टोन फर्नेस कैसे बनता है. तो जो स्टोन फर्नेस बनाना है वो कुछ अलग जगह पे बनेगा, वहाँ पे एरोस दिखा ही रहा है. तो एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ से हम कूद के जा सकते हैं, तो चाहे तुम किसी भी साइड से घर के अंदर घुस सकते हो. तो देखते हैं स्टोन फर्न. ओके, ये रहा स्टोन फर्नेस. तो अरे ठीक है भाई, तो ऐसे बना सकते हैं. और इसके लिए मुझे एक क्या चीज़ है पता नहीं, यहाँ पे वुड्स और कोई अलग सा सामान मांग रहा है. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. एक काम करते हैं, यहाँ पे नहीं, इन बुक्स में देख लेते हैं कि ये जो सामान है चीज़ें बनेगा किस में. ओके ओके, तो ये चीज़ वर्कशॉप पे बनेगा, और इसके लिए 10 स्टोन चाहिए. ओके, तो फटाफट आई गेस मेरे पास 10 स्टोन होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारा स्टोन कलेक्ट किया था. तो देखते फटाफट इसको बनाते और इसके पास लेके चलते. तो ये चीज़ इसमें बनेगा शायद से. ओके, ये रहा स्टोन स्टूल. ओके, तो इसको रखते यहाँ पे, और वुड मुझे लेकर आना पड़ेगा. तो फटाफट मैं वुड लेकर आता हूँ. और आई गेस बड़ा वाला जो पेड़ है इनको मैं काट नहीं सकता ना, या इनको नहीं कर सकता. तो इन छोटे पेड़ को फटाफट काटते और सीधा इसको बनाकर उसके पास लेकर देंगे. ओके, तो बहुत सारा वुड मैंने कलेक्ट करके लेकर आया. तो फटाफट इसको बनाते और उसके पास. ओके चलो, इसको उठा लिया. अब चलते उसके पास, देखते वो क्या कहता है. अगर कोई नया काम देगा तो भाई बहुत सही रहेगा, और आगे क्या करना है वो भी बताएगा वो. अरे चाचा जी, हम आ गए. तो देखो, आपने जो बनाने के लिए बोला था. ओके, तो इन्होंने सामान देख के हमें एक बिल्डर लाइसेंस दे दिया, और इनको इस लाइसेंस को रजिस्टर करने के लिए जाने के लिए कह रहे हैं. तो यह पास में ही कहीं पे रजिस्टर जरूर होता है.
तो वहाँ पे जलाएं और हमें रजिस्टर करना है कि हम ही मतलब इस जगह का एक और नया बिल्डर है। तो यहाँ पर होगा हमारा रजिस्ट्रेशन। मैं आ चुका हूँ रजिस्टर ऑफिस। तो यहाँ पे गेल आई गेस हमें इनसे रजिस्टर मतलब रजिस्ट्रेशन लेना है। वेलकम वेलकम। तो ये कह रहे कि ये इस जगह का मेयर है, तो हमें अपना वर्कशॉप का नाम सेट करना है और इनसे रजिस्ट्रेशन करवा लेना है नाम सेट करके। तो यहाँ पे देखते हो क्या नाम दे सकता हूँ मैं। एक प्रॉब्लम हो गया, पहले मैंने सोचा था कि रॉबिन द बिल्डर नाम दूंगा, लेकिन 11 लेटर्स से ज़्यादा आई नहीं है, तो इसलिए मैंने सोच लिया कि इसका नाम मैं आर वर्कशॉप देने वाला हूँ। तो ये नाम आप लोगों को कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना। तो फटाफट चलते हैं, अभी हमें फिर से उसी चाचा के पास जाना है, क्योंकि मतलब अंकल जी बोल रहे थे कि यहाँ पे Nice रजिस्टर करने के staying. बाद फिर से मेरे पास There, आना। your registration अब चलो is देखते हैं complete. वो क्या बोलते हैं। Thank you. You're now a bona fide workshop owner. Your pa would have been so proud. Let me explain some of the processes for our trade. Here at the Porsche office, we post workshop commissions every day on the board over there. Based on the speed and quality of the results, we make a ranking of the workshops every week listed on the wall behind me. There are other workshops in Porsche? Oh, yes. Adding yours, there will be five workshops in our jurisdiction. Besides the ranking list, you also have a workshop rating, which is listed on your license. The higher your rating, the higher quality the commissions you can get. But don't. Once you're done with your orders, you can pick up the commission fee from Antoine if it's from. Anyway, since this is your first commission, I've kept one just for you. Playing favorites, are we? Higgins, you already took one today. There are never too many commissions. अबे साले आपका ना मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। चचुंदर मेरा कमीशन मार के ले गया। That's Runt. He's the owner of the current number one workshop. ओके भाई, नंबर वन है तो किसी का भी कमीशन मार लेगा। रुक, तू नंबर वन है ना? Well, I'm मैं sorry. खुद नंबर वन पे आके last one दिखाऊंगा, फिर today. पता चलेगा तुझे। Hey, press. I've got a job for you. Or not. ओके तो लगता है हमें कोई नया जॉब मिलने वाला है, मतलब But काम मिलने how? वाला है। We're looking to... तो इन लोगों से बात हो चुका है। तो मेयर जो है वो एक नया ब्रिज बनाने वाला है, जिसका काम मुझे दिया। ओके यहाँ पे क्या है पता नहीं, कुछ तो था। तो फटाफट चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे ब्रिज बनने वाला है। तो मुझे जल्दी से जल्दी इस ब्रिज को बना के देना है और नंबर वन पोजीशन पे आना है, ताकि कोई भी आके मेरा ना तो कमीशन ले सके और मुझे सबसे ज़्यादा कमीशन मिल सके, जो इन फ्यूचर इस गेम में थोड़ा सा आसानी होगी। तो डायरेक्शन तो इस साइड दिखाता है, दिखा रहा है। तो फटाफट चलते हैं उस जगह पे। ये है वो ब्रिज जो मुझे बना कर देना है, और ब्रिज के उस पार बहुत सारे केकरे घूम रहे हैं। आई गेस यहाँ से मुझे ब्रिज को बनाना है, नहीं मतलब ब्रिज का जो मेन पार्ट्स है वो तो मुझे घर से ही बना के लाना पड़ेगा शायद से। यस हाँ, घर से बना के लाना पड़े। ओके क्या है, बस है? ओके बाद में इस बस को देखेंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट काम है, नंबर वन पोजीशन पे आना है। बेसिस मैप में ओके आए ये सारे पॉइंट्स दिखा रहे, मतलब कौन से जगह पे मतलब किस चीज़ को क्या कहते हैं वो दिखा रहा है। चलो ठीक है, इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बाद में सही से देख लूँगा। तो फिलहाल मुझे जाना है अपने घर और वहाँ पे जाके देखना है। वैसे एक काम करते हैं, इस ब्रिज को हम नेक्स्ट एपिसोड में बनाएंगे। आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आज का जो एपिसोड है वो आप सबको पसंद आया। पसंद आया तो भाई एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए जाना ही मत, और हाँ बेल आइकन भी ऑल पे करके रखना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय। अच्छा चलते हैं।